मधु मधु हेलो। हाँ यही हूँ। क्या कर रही हो भाई को सुनिया जी, क्या सेलिब्रेट कर रही हो? ये कोई मौका है? मौका तुमने दिया कब? 2 साल बाद अच्छे से रिटायरमेंट लेते ना तो बड़ा सा फंक्शन करते। बड़ा सा फंक्शन करते? अरे किसके पास टाइम है इन फंक्शन में जाने का यार। फंक्शन करते सबके पास टाइम है। अरे फिक्र नहीं करो, मैंने पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाया है, बस थोड़े तो लोग आ रहे हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। कोई मजा वजा नहीं आएगा मुझे। अरे सुनो अभी भी टाइम है, क्या है कि हम तीनों जन ना घर में बैठ के बहुत एंजॉय करेंगे, तो तुमसे कह रहा हूँ तुम चाहो तो ये पार्टी अभी भी कैंसिल कर दो। पार्टी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है? जाओ अपना हुलिया ठीक करके आओ, आधा घंटा तुम अपने बाल संवारने में लगेंगे। बच्चा समझ रखा गुब्बारे फुब्बारे लगा करके पता नहीं क्या करके। अरे तुम्हें अगर ऐसा कुछ करना ही था तो मुझे सरप्राइज दे देती, जैसे तुमने हमें दिया था शिमला से आके शौक बता के करने का, अपना स्वाद है। सुनो कौन कौन आ रहा है? वही तो सरप्राइज है। कहीं इसने भाटिया वाटिया को ना बुला लिया हो। क्या हो गया? तुमने आंटी को बताया ना? बताना क्या है, सरप्राइज है, सरप्राइज में बताते नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। व्हाट्स नॉट अ गुड आइडिया? बताया क्यों नहीं? ओ भाई सोनू ने भी यही किया था, मान गए थे, सो डोंट वरी, तुम चिल करो यार आराम से। सही से करो। हाय पापा। बाबू पापा पापा रुक जा। पापा क्या? नमस्ते पापा। नमस्ते। नमस्ते अंकल। पापा ये अमीरा है। वो पापा वो ना आपसे एक्चुअली मिलवाना था, मतलब घर में ना सबसे मिलवाना था अमीरा को, तो उनका मैं एक बार हाय। सोनू भी तेरे? यार वो सोनू के टाइम पे मम्मी ने खोला था ना। सोनू की मैंने लव मैरिज नहीं की होती ना, आज ये हालत नहीं होती, इसको उसी के हवाले की है। सोनू अपनी लव मैरिज में बहुत खुश है, समझे? तो जरूरत नहीं है सोनू को इतना की चाहिए। दरवाजा खोले। अरे यार मैं शर्म आती, तुम बोलो। शर्म तो मुझे भी आती है। कैसी बात करती हो यार। मम्मी भी तो भाग गई ना, इसमें काम तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ, ठीक है? आराम से हो जाएगा, मैं एक बार आता हूँ। पापा वेयर आर यू गोइंग? लिसन जॉर्जी दरवाजा खोलो प्लीज। सुनो सुनो सुनो, टॉस कर लें? नहीं बिल्कुल नहीं, टॉस में मैं हमेशा हारती हूँ। टिप टॉप कर। नहीं बच गई सीटी कुकर की। बॉबी कहाँ मेरा? पता नहीं अंकल। अंकल आंटी कहाँ है? वो अंदर है। वो उधर। हाय आंटी कैसे हो आप? हाउ आर यू? अच्छी हूँ बेटा, तुमने बताया नहीं तुम आ रही हो बेटा। आंटी को बॉबी ने बोला कि सरप्राइज देंगे तो तुम्हें बेटा हर बात मधु नहीं चाहिए। जी एक सेकंड। हाँ जी हाँ हाँ जी क्या है सब? क्या जी? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? गले तो ऐसे लग रही थी जैसे कितने सालों की बिछड़ी हो। तो गले और कैसे लगते हैं आप बता दीजिए। इसका मतलब तुमको पता था कि ये लड़की बॉबी की गर्लफ्रेंड है?
बॉबी की फ्रेंड है यहाँ जी, ये तो पता था। तो क्या पता नहीं था? ये कि वो यहाँ ऐसे आ जाएगी, ये नहीं पता था। तो फिर ये मुझे क्यों नहीं पता था? क्या नहीं पता था? ये बॉबी गर्लफ्रेंड है। ओ, यही तो सरप्राइज था। ये सरप्राइज था? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सरप्राइज। लो जी, एक घंटा पहले आप मुझसे कह रहे थे कि बताया क्यों सरप्राइज दे देते। मधु, ऐसा शॉकिंग सरप्राइज मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, जब से मैं शिमला गया हूं, तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से काट दिया है। कोई इज्जत नहीं है मेरी, दो कौड़ी की इज्जत है मेरी। इज्जत नहीं करते तो ये फंक्शन रखते आपके लिए? ये फंक्शन? ये तुम फंक्शन कहती हो? ये सब दिखावा दिखावा, समझे कि नहीं? ये दिखावा है, ये दिखावा है। देखिए, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, अब घर का माहौल खराब मत करना, समझे? शाम में मधु प्लीज, नहीं बस आप रहने दीजिए मधु प्लीज, अब नाटक नहीं प्लीज। ये तुमने कर दिया बेटा? मैं ये करने ही आने। अरे आंटी, सामने काम था तो कर दिया। थैंक यू बेटा, मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ बेटा, हाँ देर हो रही है ना, जल्दी जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल। रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू। अब अंकल, आपकी इस सर्विस को कितने साल हुए? नाइस। एक्चुअली मेरे पापा भी इंडियन आर्मी में डॉक्टर हैं, ही इज आल्सो अबाउट टू रिटायर। एक दो साल ही बचे होंगे। या अंकल, आप शर्ट के ऊपर जैकेट ले रहे हो, इट विल लुक नाइस। सॉरी अंकल, आई वाज जस्ट। ओके, ठीक है बेटा। हाँ जी, बस जल्दी से ये लगा दो, पिन लगा दो इसमें। तुम्हारा सूट अच्छा है। थैंक यू आंटी। कहाँ से लिया बेटा? ये रजौरी गार्डन से। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूँगी। जरूर जरूर। तुम्हें चाहिए? नहीं। ओके ठीक है। अच्छा अच्छा, सुनो, मैं ये बाल बना लूँ या खुले रखूँ ऐसे? नहीं, बन बना लो, साड़ी के साथ अच्छा लगेगा। हाँ, ट्रेडिशनल लग। हाँ, I'll do that, I'll do that. क्या बनाना मधु? मैं बना दूँ अंकल चाय? नहीं बेटा, कोई नहीं। अंकल दो मिनट लगेंगे, मैं अभी बना के लाती हूँ। मैं भी लाती हूँ। सब यही है, ये है कैसी मुलाकातें जो ऐसी खुशियां है बांटे, कहने लगी है ये सब कुछ हंसी है, तेरी मस्तियां है सीधी सादी सी, थोड़ी बोले वाली सी, तेरे साथ मेरा हाथ बस खत्म न हो ये रात, कभी ये मुस्कुरा थोड़ी खिलखिलाती है ऐसी चांदनी हो रात, बस तू हो मेरे साथ, ये बातें वैशे शर्मा जी, ये जैकेट पहन के आपकी उम्र आधी हो गई। अरे गुलाटी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल।
अरे भाभी जी, स्नैक्स तो बिल्कुल A1 बने हैं। आपका बिजनेस मैं चलवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। अरे बिंद्रा, पहले अपने स्पेयर पार्ट का बिजनेस तो कर लो, इनका बाद में करना। अरे शर्मा जी, स्पेयर पार्ट तो स्पेयर टाइम का काम है, हो जाएगा। थैंक यू बिंद्रा भाई साहब। देखिए सब जो आप लोगों ने खाया ना, हेल्दी है और ऑयल फ्री है। अरे समोसे भी, कोई भी खा सकता है समोसे। वाओ, आप भी। मैंने भी खाया भाई। एक बात बहुत अच्छी हो गई, शर्मा जी आप नसीब वाले हो भाई, आपको बॉबी और भाभी जी का सपोर्ट मिल रहा है। शर्मा जी, ये नए मेंबर से हमारा इंट्रो करवा ही नहीं दिया आपने। ये दोस्त हैं भाभी की। अच्छा, अमीरा। अमीरा, अमीरा, वाओ, आप नया मेंबर ही समझिए। अच्छा, स्पेशल फ्रेंड। ओ मुबारक हो, मुबारक हो। अरे रोका हो गया क्या बेटे का? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम है अभी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेलिब्रेशन शुरू करते हैं, सेरेमनी भी तो करनी है ना, लेट हो जाएंगे जी। चलिए। अरे शर्मा जी, ये लीजिए, केक तो बिल्कुल A1 दिख रहा है और गुलाटी साहब से रुका नहीं जा रहा, जल्दी काट दीजिए प्लीज। बच्चे कहाँ है? आ जाएगी। आप केक तो काटिए, 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 काटिए। चलिए सब वेट करें, काटिए। भाई शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। शर्मा जी ने 32 साल तक बैंक में हमारे साथ काम किया और इस दौरान हमने शर्मा जी से और इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा। मेहनत, लगन, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से भरपूर शर्मा जी ने पैसा शायद थोड़ा कम कमाया हो और चाहे एक नंबर के कंजूस हो, लेकिन इज्जत हमसे ज्यादा कमाई है। ज्यादा कमाई है, बिल्कुल सही। और हमें भी यही सिखाया है। बिल्कुल। दोनों कहाँ हैं? चले गए। कहाँ? बॉबी अमेरिका को छोड़ने गए। शर्मा जी, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, बढ़ते रहे, हमारी दोस्ती बनी रहे। वाह पत्रज, थैंक यू। फोन करो बॉबी। नहीं करूंगी। वापस बुलाओ उसे। क्यों, क्यों बुलाना है वापस? तुम भी कमाल हो यार, रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती कि नहीं जो आपने नहीं की? एक सेकंड। कैसी लगी? अरे ये गाड़ी, अरे शर्मा जी पहले बताना था ना, मैं आपके लिए सेकंड हैंड A1 गाड़ी देख के रखता। शट अप बिंद्रा, बीच में बोल के माहौल खराब मत किया करो, मुझे यही कार चाहिए। आई लव दिस कार। और बिंद्रा अंकल, 5 साल की वारंटी और सबसे सस्ती मेंटेनेंस मिलता आपकी सेकंड हैंड कार में। अच्छा, रास्ते के बीच में कहीं पे भी खराब हो जाती। और पता है, ये कार अगर कहीं भी पंचर हो जाए ना, तो तुरंत बंदे आ जाएंगे। थैंक यू बेटा।
पापा तीनों ने मिलके लिए। हम तीनों ने मिलके लिए। अरे भाई बॉबी अब कुछ चक्कर वक्कर लगवाओगे कि नहीं? अरे हाँ अंकल चलना आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओ चलो मैं तो जाने नहीं आ रही, मुझे तो सीखनी पड़ेगी, मैं तो पीछे ही बैठूंगी। ओ नाइस बेटा, कम 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 तो अंदर बैठो। अंकल आप आगे बैठो ना। बैठो अंदर प्लीज। अरे बिंद्रा अंकल मुझे सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, आप आ जाओ। अच्छा जी बताना था ना, प्लीज कम ऑन। अरे भैया ये तुम देख नहीं रहे हो लेटेस्ट कार, ये टीवी लगा हुआ है पूरे स्क्रीन, लेकिन आवाज तो गाइस ये था हमारे सीजन का फिनाले, जिसके बाद शर्मा जी बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। बिंद्रा मैं स्मार्ट हूँ इसलिए इतना खुश रहता हूँ। तुम्हें कभी मिली है इतनी स्मार्ट वैल्यू? 5 साल की वंडर वारंटी और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, वो भी इतनी शानदार गाड़ी के साथ। पापा लेकिन इन्होंने कभी नई गाड़ी ली नहीं है, आपको कैसे पता हो? अरे तो क्या हो गया, अरे आपकी मांग लूंगा, एक ही बात है शर्मा जी, मेरी नियोज को हाथ मत लगाना और चाबी तो कतई मत मांग लेना। अरे यार पापा आपकी विश थी। अरे बनता है, मेरी भी एक विश है भाई, मेरी तो यही विश है कि आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और हमारे इस एपिसोड को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टू द टाइमलाइनर्स। एंड नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर।